69,000 शिक्षक भर्ती, जैसा ओबीसी छात्रों को डर लग रहा था कुछ वैसा ही होता नजर आ रहा। जी हाँ, डर सुप्रीम कोर्ट का कि क्या ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में फंस जाएगा। हाई कोर्ट का वो फैसला जिसमें योगी सरकार को यह आदेश दिया गया था कि अगले 3 महीने के अंदर आप एक नई लिस्ट बनाइए और नौकरियां दीजिए, वो क्या लिस्ट फंस जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई करते हुए 23 तारीख तक रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया है। अब 23 तारीख को इस मामले में सुनवाई होगी, यानी 23 तारीख तक योगी सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेने वाली है। आपको बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के डबल पीठ ने एक फैसला दिया। उन्होंने ये कहा कि जो 2018 में नियुक्तियां की गई, 2018 में आई वैकेंसी में जो नियुक्तियां की गई थी उसमें आरक्षण को लेकर नियमों का पालन नहीं किया गया, ऐसे में पुरानी आरक्षण नियमावली का पालन करते हुए सरकार एक नई लिस्ट जारी करे और फिर से नियुक्तियां करे। और इसमें माना जाने लगा कि तमाम ओबीसी छात्र और जो दलित छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका आरोप है कि उनके साथ आरक्षण का घोटाला किया गया है, उनको नौकरियां मिलेंगी। लेकिन इस बीच अनारक्षित जो छात्र हैं, जो कुछ लोग जो नौकरी कर रहे हैं जिनका चयन नहीं हुआ है, वो सभी लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए, जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं, तब 23 सितंबर तक एक स्टे लगा दिया है। आपको बता दें कि तमाम ओबीसी छात्र इस मामले को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे थे हाई कोर्ट के फैसले के बाद। वो चाहे वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का घर हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का घर हो, लगातार उनके घरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और ये कह रहे थे कि 3 महीने का समय न लिया जाए, जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए, काउंसलिंग दी जाए, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और इसको फंसाया जा सकता है, ऐसा आरोप वो लगातार लगा रहे थे। हालांकि अभी 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और उसके बाद देखना होगा कि क्या स्टे हटता है या स्टे लगा रहता है, क्योंकि अगर स्टे लगा रहता है तो नई भर्तियां, नई नियुक्तियां नहीं होंगी और जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, उनको अब फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना पड़ सकता है। आपको बता दें 2018 में 69,000 की वैकेंसी आई थी, जिसमें सरकार ने एक बार नियुक्ति दी थी, लेकिन उसको लेकर लगातार ये विवाद उठता रहा कि खासकर ओबीसी छात्रों के साथ आरक्षण को लेकर जो नियमावली बनाई गई वो ठीक नहीं थी। और ये आरोप लगाते हुए वो हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, डबल बेंच ने जो फैसला दिया, उसको लेकर तमाम छात्र खुश थे। और यहाँ तक कि योगी सरकार ने भी ये फैसला लिया था कि वो इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी बल्कि वो नई लिस्ट लाकर नियुक्तियां देगी। लेकिन जिस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है उससे अब एक बार फिर छात्रों को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टोरी भेजी थी दिल्ली से हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने, प्रस्तुत किया हमारे रजत ने और कैमरे के पीछे दीक्षा। देखते रहिए यूपी तक, नमस्कार।